खबर मध्य प्रदेश के पवई से है, जहां तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए, नए वेरिएंट के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र मीणा ने पुलिस थाना परिसर प्रांगण में जागरूकता लाने के उद्देश्य से थाना परिसर प्रांगण में नगर के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों के बीच बैठक आयोजित की और बैठक में पुलिस अधीक्षक ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करो, किसी भी प्रकार के अफवाहों से बचो। उन्होंने तीसरी लहर को याद दिलाते हुए कहा कि आर्थिक जनहानि वगैरह से हम सबको याद रखना होगा। तो उन्होंने कोविड-19 से बचाव के बारे में भी लोगों को जानकारी बता दें। एसपी ने पवई नगर के सड़कों में उतरकर रोको टोको अभियान चलाया, लोगों को मास्क वितरित कर मास्क पहनने की अपील भी की। वहीं पवई नगर में अभी भी 9 संक्रमित पाए गए हैं। पवई तहसील के अंतर्गत कुल 13 एक्टिव कोविड-19 मरीजों की संख्या है। संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड-19 गाइडलाइन के तहत उपाय सुनिश्चित करने के लिए बैठक की गई है। बैठक में SDM कुशल सिंह गौतम, SDOP अभिषेक गौतम, नगर निरीक्षक DK सिंह, ML चौधरी, नगर के गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि, पत्रकार और पुलिस स्टाफ भी मौजूद रहा। नैनीताल के तल्लीताल क्षेत्र में एक बंद पड़े कमरे में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि तल्लीताल एल्विन कंपाउंड क्षेत्र में हरिनिवास निवासी अनिल गुरुरानी, पुत्र हरीश गुरुरानी, अपने परिवार के साथ बीते दिनों गुजरात शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से निकले थे और इसी बीच उनके बुजुर्ग माता का इलेक्ट्रॉनिक ब्लैंकेट प्लग पे ही लगा रह गया, जिसके चलते धीरे धीरे ब्लैंकेट में आग पकड़ ली और कमरे में धुआं उठने लगा। वहीं सुबह पड़ोसी ने जब बंद कमरे में धुआं उठता देखा तो उसकी जानकारी 112 नंबर पर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चेता मोबाइल के हेड कांस्टेबल शिवराज सिंह राणा और दमकल विभाग की टीम ने कमरे का ताला तोड़कर अंदर जाकर बेमुश्किल आग पर काबू पाया। खबर अमरोहा से है, जहां BJP विधायक महेंद्र खड़गवंशी ने उड़ाई कोरोना नियम की धज्जियां, जहां पुलिस की मौजूदगी में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। वहीं पुनः टिकट क्लियर होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई, जहां बिना मास्क के भीड़ इकट्ठा कर जनसंपर्क किया गया। तो वहीं विधायक ने पूरे हसनपुर शहर घूमकर जुलूस निकाला, तो वहीं हसनपुर विधानसभा इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर हाथरस से है, जहां हाथरस के सासरी कोतवाली क्षेत्र में सब्जी मंडी से गाड़ी की साइड देने को लेकर दो पक्षों में गर्मागर्मी हो गई और इसी दौरान जाति सूचक शब्दों को लेकर कहा सुनी और मारपीट में तब्दील हो गई, जिसका दर्शकों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क के बीचों बीच फिल्म स्टाइल में फाइट चल रही है और स्थानीय लोगों ने इनको रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुके। जब 112 नंबर पुलिस को फोन करके बातचीत की गई तो दोनों पक्ष वहां से फरार हो गए। खबर रांची से है, जहां एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान कार सवार युवकों ने दरोगा के साथ गाली गलौज और मारपीट की और इतना ही नहीं युवकों ने दरोगा को जान से मारने और वर्दी उतारने की धमकी दे डाली। घटना अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित सहजानंद चौक के पास की है, जहां रविवार की रात एंटी क्राइम चेकिंग चला रहे दरोगा संजय यादव के साथ होंडा सिटी कार में सवार युवकों ने गाली गलौज और मारपीट की और वर्दी उतारने की धमकी तक दी।